कार्ड दे दूंगा मैं, कार्ड है मेरे पास। अरे हमारे पास है, तुम्हारे के पास सबूत है तो तुम विद्यार्थी हो, हमारे पास तो ये भी सबूत नहीं है, हम जॉब करते हैं। बढ़िया सर, भारतीय पर्यटक विषय पर्यटक भारतीय विद्यार्थी विद्यार्थी में कार्ड दिखाना पड़ेगा। जैसे जो छोटे बच्चे आईडी दिखा दो, हाँ है जिंदगी में पहली बार आईडी कार्ड काम आ रहा है। तो जी बेसिकली हम हैं बिनसर नेचर गिफ्ट शॉप, और जो कि बिनसर जो फॉरेस्ट है उसका ये गेट है, आप देख पा रहे हो, बढ़िया जगह है। राखी हमारी वहाँ खड़ी है, आए है देखो तो सही मॉडल कार आ रही है। सतीश जी हमारी टिकट ले रहे हैं, आज इत्तेफाक से पहली बार ऐसा हुआ है स्टूडेंट होने का फ़ायदा मिला है। वैसे जो टिकट है यहाँ पे वो 250 रुपये की है, लेकिन स्टूडेंट के लिए 50 रुपये की है। तभी पूछता हूँ सतीश जी से, अपना कार्ड देना है क्या मुझे? कार्ड तो देना होगा 100% सर, कार्ड देना है ना। ये हमारी टीम खड़ी सारी की सारी, सर ने आगे गाड़ी लगा दी है। वी आर ऑलमोस्ट रेडी, एक बाइक हो गई पीछे। ये विंसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा, ये कुछ पर्ची है भाई हमारी जो कट गई है, 950 रुपये। ये हम सभी के बाइक नंबर्स, टोटल 950 रुपये पड़ा, 200 रुपये है एज अ एनी पर्सन मेल और फीमेल, एंड 50 रुपीज़ फॉर दिस स्टूडेंट। तो लाइफ में फर्स्ट स्टार, मैंने अपने एम स्टूडेंट होने का फ़ायदा उठाया। जाए बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? कैलाश चंद मौर्य जी, बहुत बहुत भट्ट, अरे बढ़िया सर, हाँ हाँ सर, डोंट वरी सर। और रास्ता ख़राब है, हाँ उन्होंने बता दिया हमें, हाँ नहीं नहीं ज़रूरी है, दुर्घटना से बढ़िया पहले किसी को सूचना मिल जाए। हाँ अच्छा एक बताइए, वो जो 2 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसमें लगभग अमूमन कितनी देर लगती है पैदल पैदल? सर ऐसा है, जाने में तो आधा पौन घंटा लगेगा, ठीक है, घंटा मान के चले, ठीक है, और आते वक्त आधा घंटा लगेगा, मतलब लगभग पूरा 1.5 किलोमीटर, 1.5 घंटे का मान लें हम, पूरा 1.5 से 2 घंटे लगेंगे हमें, सीधी सीधी सी बात है, आने जाने घूमने का पूरा आपका 3 घंटा। अरे वहाँ पे ले लेंगे ना, आओ बैठो मेरी जान, वापस ले लेंगे, तो टेंशन मत ले, आ जाएगा, आ जा। यस सर, हाँ हाँ और क्या, पैदल थोड़ी नहीं जाना, यहाँ से 8 किलोमीटर में ऊपर जाना है, फिर 2 किलोमीटर पैदल पैदल जाना है 0 पॉइंट जाने के लिए। नहीं सर, रोड खराब है, बजरी पड़ी हुई है, धीरे ही चलाएंगे, ये उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। हाँ हाँ जी सर, भाई जो स्लोप है ना वाकई में बहुत है स्लोप, ये महसूस नहीं हो रहा है लेकिन है स्लोप। कैमरा ऑन कर लिया? ये नो डाउट लोकेशन बहुत प्यारी है। एक तो ये हेलमेट के चक्कर में ना, पता है एक कड़वा सच ये भी है कि हेलमेट के चक्कर में ऊपर का दिखता ही नहीं है कुछ। तुम्हारा तो बड़ा हेलमेट है, मतलब वैसा है, ओपन एरिया ज़्यादा है उसमें, ये साला क्लोज है, इसमें क्लोज एरिया ज़्यादा है इसमें। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पीछे मुड़के एक थंब वगैरह दिखाते रखे।
यार बाकी मोदी जी को यहाँ का एड्रेस दो यार, यहाँ की दूर से क्या पाया। पक्षी दर्शन मार्ग इधर जाएंगे तो आपको पक्षी देखने को मिलेंगे बहुत सारे, अलग अलग मार्ग बनाए हुए हैं। लेकिन यार मेरे ये नहीं समझ में आया कि जब यहाँ पर लेपर्ड का साइन बोर्ड लग रहा है कि यहाँ लेपर्ड हो सकते हैं या देखने को मिलेंगे आपको, तो फिर ऐसे कच्चे रास्ते नहीं बनाने चाहिए ना, जो बिल्कुल ही अनसेफ है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू लेपर्ड। लेकिन चलिए बनाया तो किसी सोच समझ के बनाया हुआ, पता इस एरिया में ना हो क्योंकि हिरन आराम से वहाँ खाना खा रहे थे, ऐसे राखी कह देखिए आराम से खड़े हुए थे, ऐसा राखी का क्या है ऐसा। आराम से उतर 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 उठा राखी उठा 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 जा। ठीक हो तुम? हेलमेट उतार रखी, हेलमेट उतारने में कहाँ लगी, हाथ में? अच्छा वो हाँ साइड में लग गया। हाँ हाँ पीछे नहीं, पीछे नहीं, पीछे मत ले जाके ना, पहले स्टार्ट करो, यहीं से उठा, पीछे ले जाने के बारे में सोचे भी मत। पीछे ले जाने के बारे में सोचना भी मत, छोड़ छोड़ मैं करवा दूँ, बस यहीं लगा साइड में, साइड में लगाना, इधर नहीं, राइट राइट हैंड पे, राइट हैंड पे, राइट हैंड पे, लेफ्ट में नहीं, राइट में लगा, आगे बस आगे थोड़ी सी जगह खाली है। आर यू ओके? हाथ में लगी तो नहीं? पहाड़ पे पीछे जाने के बारे में नहीं सोचना, अटक जाए तो वहीं अटका ले बाइक को, लेकिन पीछे नहीं जाना है, कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। वो उठाओ दुपट्टा तुम्हारा और पैदल पैदल चढ़ो ऊपर थोड़ा सा, उससे बोल रुक जा शांति रखे। और तुषार इसके पीछे चलना है, इसके पीछे चलना है, इसके आगे नहीं जाना। यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा रफ है और इतने ज़्यादा शार्प मोड़ हैं यहाँ के कि बाइक का फिसलना तो लाजमी था, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल किया। एक पल को तो हम सब डर ही गए थे कहीं पीछे की तरफ वो खाई की तरफ ना गिर जाए, क्योंकि गड्ढा काफ़ी गहरा था, इतना इमेज में क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा लेकिन गड्ढा काफ़ी गहरा था जिसमें से उन्होंने बाइक निकाली थी, और फिर हम अचानक से उन्हें संभालने चले गए, थोड़ा बहुत तो वो संभली फिर उसके बाद अचानक से फिर से गिर गई। तो सर राइट हैंड में चलना है, राइट हैंड पे रखना है, उससे भी बोल आगे, राइट हैंड मेंटेन करके रखो, राइट हैंड में रहना है, लेफ्ट में नहीं जाना, राइट में रहना है, कोई बात नहीं, आराम से चलो, राइट में रहना, लेफ्ट में नहीं जाना है, आगे उसको भी बोल कामनी को, राइट में रहना है, लेफ्ट में नहीं। फिर भी बाइक उठा के फिर से एक वैसे ही रोड को फिर से टैकल करना बहुत बड़ी चीज है। तुषार भैया और विवेक पीछे पीछे चल रहे थे कि आगे कहीं ऐसा कुछ फिर से ना हो जाए, और उनके पैर वैर में भी काफी लगी थी, हाथ में भी काफी लगी है उनके। इस पे पता है चढ़ना इतना कठिन नहीं है जितना उतरना कठिन है, क्योंकि ब्रेक जैसे ही लगाएंगे ना तुरंत ही बजरी पे टायर स्लिप करेगा। एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर यही
पॉजिटिव स्पिरिट होती है कि चाहे उसको कितना भी लग जाए वो सोचता है कि मैं फिनिशिंग पॉइंट पर कैसे भी पहुंचूंगा। और उस वही चीज़ इन दीदी के अंदर थी, जो उन्होंने इतनी भारी बाइक को फिर से उठा के फिर से ये पूरा एक सर्कल फिनिश किया। बाइक को पहले गियर में ही रगड़ना पड़ा था, दूसरे गियर में तो आ भी नहीं रहे। जैसे दूसरा गियर डालता हूँ तुरंत बाइक दम तोड़ देती है। राखी सुनो, अगर बाइक गिरने की नौबत आए ठीक है ना, तो इधर की तरफ कूदना है, इधर की तरफ नहीं, ठीक है? अगर गिरना भी ना तो इधर की तरफ ही गिरना, चाहे भले कितनी भी चोट लगे, इधर नहीं गिरना। वैसे तो आएगी नहीं, डोंट वरी। शुक्र है भगवान का कि उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी, हालांकि उनका पहले भी ऑपरेशन हो गया था, बट फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और पूरा सर्कल पूरा किया। अभी वहाँ पे टाइम लग गया था पीछे ना। हम समझ गए थे वो पैच ही ऐसा था कि मुझे लग रहा था एक आध गाड़ी गड़बड़ करेंगे। नहीं टकराया, बस कंधा कंधे पे आ गई थी। निर्दयीय सड़क, कोई नहीं, उतरना भी आराम से है, चढ़ना तो एक बार वो आसान है, चढ़ना आसान है। हाँ, इस पे ब्रेक लगाएंगे तो टायर स्लिप करेगा। हाँ, इंजन ब्रेक इस्तेमाल करना, जितना ढाल ज्यादा है उतनी पावर वाला ब्रेक। और भले ही हमें उतरने में एक घंटा लग जाए, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे। हाँ सर, बिल्कुल सर। क्या हुआ? फुल? हाँ? इनका गिरने वाला भी आ गया। बना दिया? और क्या? मौका नहीं छोड़ते हम, ब्लॉगर हैं। कुछ भी कहो, लड़की में हिम्मत तो है। गिरने के बाद, एक ऑलरेडी ऑपरेशन होने के बाद, फिर भी बाइक उठा के और वो चल दी। फिर से काम नहीं, फिर से लेफ्ट में हो तुम, राइट में रहो, कोई बात नहीं, हॉर्न बजाते रहो, लेफ्ट में रहो, राइट में रहो, लेफ्ट में नहीं। तुषार इसके पीछे ही रहना, ठीक है, आगे नहीं जाना। इसे कहते हैं ऑफ रोडिंग, जहाँ पर रोड ही ना हो। ये आ गया और खतरनाक पैट। ऐसे रोडों पे प्रॉपर किटअप होना चाहिए हमें। हाँ नहीं, जो पीछे बैठा है उसे भी प्रॉपर किटअप होना चाहिए। अब पहाड़ इधर है तो हम इधर गिरेंगे, ठीक है ना? आ गया। सिम्बा कैप, सिम्बा कैप। भाई मैंने सोच लिया, मेरा कंफर्म है,
मैं आने वाले टाइम में राइडिंग, मेरा कंफर्म है, मैं आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए जैकेट और अपने लिए राइडिंग पैंट लेने वाला हूँ, लेने वाला हूँ कंफर्म श्योर। आपके जो नेक्स्ट ट्रिप होगी, चाहे बजट टाइट हो, चाहे हो पाए या ना हो पाए, लेकिन नेक्स्ट ट्रिप पे जाने से पहले दो चीज़ें हम लेंगे ही लेंगे। पहली हम लेंगे तुम्हारे लिए राइडिंग जैकेट, ठीक है ना, और दूसरा अपने लिए लूँगा मैं राइडिंग पैंट, दो चीज़ें कंपलसरी। हाँ यार, बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर आ गए, रखे थोड़ी नहीं, अच्छी खासी ऊँचाई पर आ गए। जब हम घर से निकले थे तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं, हमारी कौन कौन सी जगह हम डिस्कवर करेंगे, लेकिन विवेक को सब पता था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, उसने सोचा होगा कि मैं सरप्राइज टाइप का दूंगा। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, ये मेरी ट्रिप जो थी वो ग्रुप के साथ पहली बार थी जिसमें हमें बहुत मज़ा आया। डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि सीनियर भी थे, जूनियर भी थे, सब जूनियर भी थे, तो मज़ा आया। हर टाइप के लोग थे, उनकी हर टाइप की थिंकिंग थी, परसेप्शंस थे। और जैसे जैसे हमारी बाइक आगे बढ़ती जा रही थी, और मेरे को साइड बैनर्स दिखाई दे रहे थे कि चीते के, शेर के, चिड़िया के, और हम ऊपर चलते जा रहे थे, रफ रोड आ रही थी और वो बैनर्स जो थे बढ़ते जा रहे थे। एक हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ही जंगल में घूम रहे हैं, ना ही कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमें दिखाई दिया कि यार इन केस कुछ हो जाता है तो हम क्या किस किस को मदद के लिए पकड़ेंगे। लगा दे सर, इधर दो दो एक्सपीरियंस हो गए मेरे को, हटना। अच्छा, मेरी छोटी बाइक का लोड ले रही थी, लोड फील कर रही थी, बाइक उठा के चल रही थी ना। हाँ, तो मैंने कहा तो साल से पायलट की बीमारी हो गई है क्या, बात उठ के चल इसको इसको फोटो वीडियो बनाने ना, उसके चक्कर में पता है कि पीछे से कोई रुक रहा है। भाई साहब ने एकदम सही बात बताई, तुम्हें प्रॉब्लम है। हर आदमी ये कहता नहीं मुझे समस्या छुपा नहीं सकती। आप कहने को कोई बात नहीं है, आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप कह दोगे कि हम बढ़िया हैं, हम बढ़िया वाले हैं, हाँ तो हमने मान लिया, बगैर कहे मान लिया। अच्छा, वो गड्ढा नहीं होता तो इसका दूसरा वाला पैर जमीन पे था, जमीन पे उस गड्ढे की वजह से इसका पैर नीचे गया और ये चली गई। हाँ, एक जो वीकनेस रही मुझे, जो मतलब एज ए ग्रुप में लगी मुझे, एक ये लगी कि हमारे साथ तीन लोग ऐसे पिलियन हैं, मतलब दो लोग ऐसे पिलियन हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल, और हम सबके पास बाइक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पेट भी खराब हो जाए तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है उसको चलाने का। एक हमारे पास सब्स्टिट्यूट ऐसा होना चाहिए हमेशा कि हाँ हाँ हाँ, एक होना ही चाहिए। एक नेगेटिव पॉइंट है ही, चलो चलो आराम से। अब देखो ऐसा है कि ये देखो यहाँ क्या लिखा है, बाइक बहुत जल्दी, देखो 0.2 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ, 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, टाइम क्या हो रहा है। मुझे अच्छा लगा, मैं तो ट्रैक करूँगा, नहीं तो मैं तो बीच में 10:10 हो, हमारा टाइगर तो साथ चल रहा है, ये के सामने कैमरे के ऊपर। लेकिन सबसे अच्छा पता क्या हुआ, मेरे पैर में चोट नहीं लगी।